कभी रक्षक कभी रॉकस्टार महिला बैंड। गोल्डन बजर मिला है भाई। आई थिंक माहौल बना दिया, बहुत ही ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस थी। यू लाइट द स्टेज ऑन फायर, यू लाइट द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू। इनको तो छू गया, इनके तो बजर भी बज गए। तो वैसे ये तो महिला बैंड को देख के इनको बजर पहले ही सोच देते हैं। पहले मुझे क्या, मैं बजा रहा पाई, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, गोल्डन गर्ल्स जब आती है तो मैं बजाऊंगी। मुझे नहीं पता फरहान के लिए बजाते हो, गुल्लू बाजी के लिए बजाते हो, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। मैं फरहान के लिए बजाती हूँ बेवकूफ। देखा, मान गए ना, फरहान के लिए बजाते हो आप। फरहान गाता ही इतना कमाल का, मेरी गलती थोड़ी है। ये गाते ही इतने कमाल के, मेरी गलती बताओ कहां से है। इस शो की हमारी जर्नी में आपने सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा हुआ है, आप हमारे ग्रुप में, बैंड में, क्योंकि
फर्स्ट ऑडिशन में आपने गोल्डन बजर दिया, इसके वजह से हम यहाँ पे है आज. सभी परफॉर्मेंस में आपने इतना सपोर्ट किया है हम लोगों को, सो थैंक यू सो मच. और हमारा एक विश था कि हम आपके साथ एक परफॉर्मेंस करें, तो क्या आप हमारे साथ यहाँ स्टेज में आके एक परफॉर्मेंस कर सकते हैं? मैं हमेशा तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कोई भी आता है स्टेज पे. साला जब मैं स्टेज चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए. कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट. तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा. पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकर पकर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. बादशाह जी इस वक्त आपके टेबल पर एक रबर बैंड रखा हुआ है, उसे उठाइए. ये उठा लिया. उसे मरोड़िए, फिर उसे खींचिए. खींच लिया. अब अपने उंगली पे लपेट लीजिए. लपेट लिया. इसे उल्टा पुल्टा कर दीजिए. कर दिया. अब गार्ड बांध दीजिए. बांध दी. और वापस खोलिए. खोल दिया. दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ. हाँ. ये मैं आपको अगली परफॉर्मेंस का ट्रेलर दिखा रहा हूँ. सो प्रेजेंटिंग दीपक दा की बेटी, इंडिया की लिटिल योगिनी, अनुष्का चैटर्जी. बच्चों आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और उसका टॉपिक है सुपर हीरो. तो बुलाते हैं हमारे पहले प्रतियोगी अनुष्का चैटर्जी को. ये क्या पहना है उसने? वॉचमैन? ये सुपर हीरो थोड़ी है. ये कपड़े मेरे पापा के हैं और मेरे लिए मेरे पापा सुपर हीरो हैं. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा हो न हो. मेरा सुपर हीरो अपने घर की चौखट बनाए रखने के लिए दूसरों की चौखट के बाहर खड़ा रहता है. चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है. बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो.
को किले के साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ, जो है समा कल हो ना हो, मेरे पापा के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो वचपन बनकर हम सब की रक्षा करते हैं, इसलिए पापा मेरे सुपर हीरो है। कल हो ना हो, वाओ, एक्चुअली अ वॉचमैन इज द सुपर हीरो बिकॉज वो सबकी रक्षा करते हैं, पूरी सोसाइटी या एरिया या सबकी, तो सुपर हीरो बच्चों के लिए अपना फादर वैसे ही सुपर हीरो होता है। हाँ। जो आपका जो सेंटीमेंट था इस परफॉर्मेंस में, इट जस्ट हिट द स्पॉट। परफॉर्मेंसेस बहुत डिफिकल्ट होती हैं, लोग कहते हैं ना कि क्या है, इमोशन ही तो है, स्किल नहीं है, ये नहीं है, तो आपकी स्किल की कोई डाउट नहीं है, आपकी कैटेगरी में आपसे बेटर कोई मैंने देखा ही नहीं। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, अनेक अद्भुत, ब्यूटीफुल। दीपक दा, वेलकम। मैम सर, मैं तो बहुत अच्छा लगी है, मैं सबसे नसीब वाला हूँ जो पिता हूँ, जो मेरा बेटी इस जगह पे है, इस मंच में है, मेरा बेटी सब दुनिया है, मेरा बेटी सब है। मेरा बेटी के वजह से मेरे को प्रमोशन भी मिला, इज्जत भी मिला, और ना जाने आगे क्या क्या मिलेगा। थैंक यू सो मच। अनुष्का, आप अपनी जगह ले सकते हैं। किरण मैम, हम आपके फेवरेट है कि नहीं? पिछले सीजन कैसे आप दिव्यांश सर और मनोराज भैया के भी फेवरेट थे ना? हाँ, ये दोनों मेरे फेवरेट थे। तो एक जजेस के दो जन कैसे फेवरेट हो सकते हैं? इसलिए हम लोग उनके लिए चैलेंज लेकर आए। ओ, चलो आ जाओ फिर। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखते कौन है किरण मैम के फेवरेट। आज इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 10 में एक बहुत ही खतरनाक वॉर होने वाली, और वो वॉर है जीरो डिग्री क्रू और सीजन 9 के विनर दिव्यांश और मनुराज के बीच में। इस मुकाबले को कराने के लिए मैं भी स्टेज पे आ रहा हूँ। आ जाइए पाजी। पहला सवाल आपके एलईडी स्क्रीन पर ये रहा, बादशाह का असली नाम क्या है? आदित्य प्रतीक सिंह सिसोड़िया, अभिषेक सिद्धार्थ सिंह सिसोड़िया, सिद्धार्थ आदित्य सिंह सिसोड़िया। आदित्य प्रतीक सिंह सोड़िया। बादशाह बाजी। 100 करोड़। ये सही जवाब है। अगला सवाल जीरो डिग्री क्रू के लिए, जीरो डिग्री क्रू के लिए ये रहा, एज एन एक्टर बादशाह की डेब्यू मूवी कौन सी थी? खानदानी शफक खाना, गुड्डिया पटोला, ये आपने कैसी मूवी की है? जबरिया रॉकस्टार। जबरिया रॉकस्टार, जबरिया रॉकस्टार और गुड्डी पटोला। खानदानी शफक खाना। खानदानी शफक खाना तुमने देखी थी? देखी नहीं। सच है क्या? हाँ, यही सच है। किरण जी, आपके दोनों आंसर रॉन्ग थे। नहीं, पर मैं तो हैरान हूँ कि इसने ऐसे नाम की मूवी करी है। नो नो नो, नॉनसेंस।
मैं नहीं खेल रहा। थैंक यू। तो मैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार। जजेस, अब आप एक्साइटमेंट के साथ नाचने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मिलने वाला है आपको एक म्यूजिकल सरप्राइज। फिर जरा जरा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे, इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे, फिर जन्नत की गलियों सब लोग ये नगमा गाएंगे। सच्चा बाकी सारे झूठे, हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे। बुम्ब्रो बुम्ब्रो श्याम रंग बुम्ब्रो 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 श्याम रंग बुम्ब्रो, आए हो किस बगिया से ओ ओ तुम। बुम्ब्रो बुम्ब्रो श्याम रंग बुम्ब्रो 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 श्याम रंग बुम्ब्रो, आए हो किस बगिया से। प्यार का ये नगमा सुनाने सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने, आओ यारों मेरे संग संग बोलो। रिंद पोश माल गंद ने गाय लो लो,
बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। एक एक जन ने अपना हिस्सा बखूबी निभाया। अब मतलब ये जो जुगलबंदी चल रही थी दोनों फ्लूट्स की, इट वॉज अमेजिंग। देयर वॉज अ पीस ऑफ स्लाइड गिटार जो बहुत खूबसूरत था। वेरी वेरी गुड, बाकमाल। ये इंडियाज गॉट टू मच टैलेंट हो गया। काजू कतली पे चांदी का वर्क हो गया, सरसों का साग और मक्की की रोटी हो गया, मैं क्या बताऊं, बोटी बोटी हो गया दिल मेरा। थैंक यू सो मच। प्रेजेंटिंग इंडियन म्यूजिक का इंटरनेशनल मैजिक, रागा फ्यूजन। आज का जो हमने परफॉर्मेंस तैयार किया है वो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था कपिल देव जी, तो उनको डेडिकेट करने के लिए बनाया है। वाओ, क्या बात है। ऑल द बेस्ट। हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे।
बसंती चोला माए रंग दे। बहुत अच्छा था, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा निभाया। जैसे शुरू हुआ रंग दे बसंती चोला एंड यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए, मुझे वही लहराते हुए खेत, पंजाब की फीलिंग इमीडिएटली आ गई। यू थिंक ऑफ शहीद भगत सिंह इमीडिएटली जैसे ही आप ये गाना सुनते हैं। एक्सेलेंट, वेरी थैंक यू सो मच। आप एक बहुत खूबसूरत बैंड हो और आप एक बहुत ब्लेस्ड बैंड हो, डिवाइन बैंड हो आप एक। या करेक्ट। आप सबके चेहरे पे एक नूर है, आप सबकी कला में एक नूर है, पता है? बाकी जिस सेंटीमेंट पे आपने गाना गाया है, ये कोई भी इंसान हो इस मिट्टी का, सब में ये सेंटीमेंट है। जब देश पे बात आती है ना, खौला खून तो ऐसा खौला, खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक लड़े थे वो, तब जाकर देश आजाद हुआ। जो कंटेस्टेंट्स आज एलिमिनेशन जोन में है वो हैं द आर्ट, अनुष्का चैटर्जी, फरहान एंड गुलाम साबिर। मेरा बस चले तो आप तीनों ही इतने अच्छे हैं कि आपको सवाल ही नहीं उठता कि आपको एलिमिनेट करें। कीप योर फेथ दैट यू आर वेरी गुड एंड यू विल सक्सीड एंड यू विल मेक अ मार्क इन द वर्ल्ड। जो भी आपने चुना है, आज सिर्फ एक एलिमिनेशन है एंड बड़े भारी दिल से मैं कहना चाहूंगी कि दैट इज अनुष्का। Sorry, Wit. I wish you all the best. अभी तो तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हो, उससे बड़ी प्रतियोगिता क्या होगी? एक बार अनुष्का के लिए जोरदार तालियां हो जाए यार। अब तुम्हें खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा नाम अचीव करना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और हम तुम्हें टीवी पे देखना बंद नहीं होने वाले हैं। इनफैक्ट अभी से तो तुम्हारी शुरुआत होगी और तुम्हें नेशनल लेवल पे हम देखने वाले हैं। तो एक बार अनुष्का को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ना इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 से तुम एक स्माइल के साथ जाओ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.